आज तक पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी जब गुजरात पहुंचे तो उनका हार्दिक स्वागत किया गया और अब लगता ऐसा है जैसे उन्हें हार्दिक खुशी मिल गई है क्योंकि हार्दिक पटेल ने अब उनकी तरफ जाना शुरू कर दिया है। हार्दिक पटेल आज हमारे साथ हैं, गुजरात की भूमि है और आज आप क्या जवाब देते हैं इसको पूरा देश सुनेगा। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या अब ये कहना सही है कि हार्दिक का हाथ खुलकर राहुल गांधी के साथ? देखो, हाथ खुल के नहीं है, लेकिन जिस मुद्दे पर बातचीत हो रही थी उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि नहीं, आपकी जो बात है अगर हम सत्ता में आएंगे तो ये बात हम पूरा करेंगे। अगर हमारे मुद्दों की बातचीत वो करते हैं तो हमारे साथ रहे हुए लोग अपने तरीके से फैसला कर सकते हैं उनको क्या करना है। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये सिर्फ पटेल समुदाय का फैसला नहीं है, ये जो फैसला होगा अब गुजरात के सब लोग करेंगे। गुजरात के सब लोग ये तय कर चुकेंगे कि जो लड़ाई है उस लड़ाई के अंदर हमें उन लोगों को हराना है जिनको अहंकार है। कांग्रेस पार्टी ने जो आरक्षण देने की बात कही है वो अच्छी बात है, हमें आनंद मिला है, अब जो भी करना है हम सब साथ मिलकर करेंगे और भरोसा है काफी अच्छा होगा। आप कहते हैं कि मैं पूरे गुजरात की नहीं अपने समुदाय की लड़ाई कर रहा हूँ, अभी आप कह रहे हैं कि मैं गुजरात के लोगों की लड़ाई कर रहा हूँ, आप खड़े कहाँ पर हैं? आंदोलनकारी हैं पटेल समुदाय के लिए या बन गए नेता? मुझे एक निवेदन तो ऐसा दिखाइए जहाँ मैंने ये बोला हो कि नहीं नहीं मैं गुजरात की बात नहीं सिर्फ पटेलों की करता हूँ, मैंने कहीं नहीं बोला ऐसा। और बात रही अगर कोई किसान की बात करना चाहता हूँ तो मुझे करनी चाहिए क्योंकि किसान को हम का बेटा हूँ, क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर मैं यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ, वो बेरोजगार है बेचारा, तो मुझे करनी चाहिए क्योंकि मैं खुद एक यूथ हूँ, मैं भी खुद बेरोजगार हूँ। मैं आंदोलनकारी हार्दिक से बात कर रही हूँ या नेता हार्दिक पटेल से? मैंने लास्ट टाइम भी इस मुद्दे पर आप काफी तंज खींचते अच्छी तरह से कि तुम राजनेता हो या आंदोलनकारी हो, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ मैं आंदोलनकारी हूँ, लेकिन अगर कोई राजनीति की बात करेगा तो इतना भी आंदोलनकारी नहीं हूँ कि मैं उस राजनीति की बात को समझ ना पाऊँ। सब कुछ समझ रहा हूँ और धीरे धीरे मैं तो चाहता हूँ कि मुझे भी राजनीति सीखनी पड़ेगी क्योंकि इन चोरों के सामने राजनीति के अलावा कुछ है ही नहीं, तो बिल्कुल इनके सामने लड़ूंगा तो राजनीति सीख भी जाऊंगा। आप उनको चोर कहते हैं, नितिन पटेल कहते हैं कि एक मूर्ख ने दूसरे मूर्ख को एक ऑफर दिया और उन्होंने आपको स्वीकार लिया। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी आपको लॉलीपॉप दे रही है और आप बुद्धू बन रहे हैं। उन्होंने मुझे मूर्ख नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि मूर्खों ने जो ऑफर थी वो दी और मूर्खों ने स्वीकार ली, उसका मतलब पूरे समुदाय को वो मूर्ख कह रहे हैं। दुख की बात है कि जब जनता आपको वोट देकर सत्ता में बिठाती है, एक बिहार का नेता कहता है अगर मोदी के सामने बोलोगे तो हार्ट काट दिए जाएंगे, यहाँ के लोग कहते हैं कि मोदी के खिलाफ बोलोगे तो आप मूर्ख हो, उसका मतलब आप जनता को दादागिरी कर दो, नहीं हमारे सामने नहीं बोलने का, अगर हमारे सामने बोलोगे तो आप मूर्ख हो, हमारे सामने बोलोगे तो हाथ काट दिए जाएंगे, हमारे सामने बोलोगे जेल में डाल दिए जाएंगे। अरे भाई, नितिन पटेल ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े दुख की बात है कि 23 साल के लड़के ने प्रेस की, उसके तुरंत 20 मिनट बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेस करते और मुद्दों के बिना। हमने कहा इस प्रकार आरक्षण दे सकते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई आपसे? नहीं नहीं डर नहीं गई, पूरी तरह से असक्षम हो गई है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि इसीलिए तो ये सारे खेल कर रही है। हमने आरक्षण की प्रेस की थी, आप आरक्षण के मुद्दे पर कीजिए, चलो क्यों नहीं मिल सकता आरक्षण ये बताइए। हम कहते हैं कि आप 23 साल के लड़के की सेक्स सीढ़ी नहीं, विकास की सीढ़ी बताइए। था क्या वो? अब चूंकि आपने पहले आगे, मैं तो सोच रही थी पहले आरक्षण के फॉर्मूले पर बात करूं, लेकिन आपने पहले ही छेड़ा। था क्या वो सेक्स सीढ़ी? क्या थी? जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति की प्राइवेट मुद्दों की बात रखी जाए। यार गुजरात की जनता भी बहुत मुद्दे के साथ बात कर रही है कि यार हम देखना चाहते थे सौराष्ट्र का विकास, हम देखना चाहते थे उत्तर गुजरात का विकास, हम देखना चाहते थे सूरत के अंदर GST लगने के बाद व्यापारियों का क्या हुआ। इन मुद्दे पर अगर आपने सीढ़ी दिखाई होती तो गुजरात की जनता समझ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुस्तान में जो वोटर है वो बड़ा नैतिकता को भी देखता है कि इस सीढ़ी से आपको लगता है कि नुकसान हुआ आपको? बहुत नुकसान हुआ अंजना जी, काफी नुकसान हुआ। मैं अभी मानसा के अंदर गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में कार्यक्रम करने गया था, मुझे सीढ़ी के तुरंत दो दिन के बाद मुझे लगा कि सीढ़ी आने के बाद पब्लिक ही नहीं आई, पहुंचा तो लगा यह सच है। 30,000 लोग आने वाले थे, परमिशन प्रशासन ने कैंसिल कर दी थी, 40,000 लोग आए। बहुत नुकसान हुआ। फायदा हो रहा है मतलब? नुकसान हुआ ना, एक बीजेपी कही थी। और दूसरी बड़ी बात, आज कोई IAS या IPS ईमानदारी से नौकरी करता है, ईमानदारी से नौकरी करता है, वो अपनी बीवी के साथ हनीमून मनाने जाता है, क्या बीजेपी उसके बेड के अंदर भी झांकेगी? मुझे ये समझ नहीं आता। संजय जोशी की सीढ़ी बनाई, आपके वो वरुण गांधी की सीढ़ी आई, कुछ नहीं, मामला दबा दिया। क्या हमारा देश वही नैतिकता के आधार पर जिएगा?
कि किसी को बदनाम कर दो, या भाई बदनाम करने से आंदोलन रुक जाते तो मेरा देश आजाद नहीं हुआ। अगर बदनाम करने से भगत सिंह घर में बैठ जाते, सरदार वल्लभ भाई घर में बैठ जाते, या महात्मा गांधी घर पे बैठ जाते, तो आज भी हम गोरों की गुलामी करते। आप सरदार पटेल का नाम ले रहे हैं, इसीलिए मेरा अगला सवाल सरदार पटेल पर, उसी समुदाय के आप हैं, और सरदार पटेल ने कहा था जाति धर्म सबसे ऊपर बढ़कर देश के बारे में सोचो। आप तो जाति वो धर्म मैं जाति उसी राह पर चल पड़े हैं ना, फॉर्मूला पर जरा बात कीजिए, बताइए कि पटेल कहां और हार्दिक पटेल कहां। लास्ट टाइम भी इसी मुद्दे पर बात हुई थी और इसी मुद्दे का फिर से रिपीट करूंगा, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप ये सवाल पूछते हैं तो मुझे वही जवाब उसी स्टाइल में देना अच्छा लगता है। मेरा देश जातियों से बना है और इसीलिए हम इसे हिंदुस्तान कहते हैं और गर्व से कहते हैं मेरा भारत मान, बस उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। और बात रही हार्दिक कहां पटेल, तो फिर हम लोग सब करें ना, मतलब आप माथे पे पटेल लिखवा लो, मैं अपने माथे पर अपना जाति लिखवा लूं, ऐसे ही चले ना हम हिंदुस्तान में, ऐसे ही देश नहीं। सैनिक भी सोचे कि मैं बचाऊंगा सिर्फ अपने समुदाय के लोगों को, अगर सरहद पर खड़ा सैनिक भी ऐसा सोचने लगेगा अपनी जाति के बारे में, कहां जाएगा देश। देखिए जाति की बात नहीं करनी चाहिए, मुझे बता दीजिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं, मुझे ये नहीं समझ आता। पटेल हूँ, पटेलों को रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रही, अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पटेल के लिए मुझे ये करना चाहिए, उसमें गलत क्या, मुझे ये बताइए। मेरे नाम के पीछे हार्दिक पटेल लिखा जाता है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मुझे पटेलों के लिए बात करनी चाहिए, लेकिन जब उससे अपर की मैं बात करता हूँ कि रोजगार आप दीजिए, तो मैं ये नहीं कहता सिर्फ पटेलों को दीजिए। 40% जो राज कोट में इंडस्ट्री है वो पटेलों के हैं, 65% 70% जो हीरा के व्यापारी हैं सूरत में वो पटेल हैं। कैसे आप ये भरोसा दिलाएंगे कि वाकई पटेलों को आज आरक्षण की जरूरत है? हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं गरीब है, जो कि हर जाति में होता है, हर जाति में होता है। अभिनंदन जी, अब ये जो सारे डेटा जो आंकड़े, हमेशा लगता है कि आप, मैं जोक क्रैक कर रही हूँ, आप ऐसे हंसते हैं। नहीं, ये जो आंकड़े आप जो दे रहे अभी निकालोगे तो समझ आएगा, जो आंकड़े बोल रहे हैं ना, सब शहर को छोड़कर गाँव चले गए जीएसटी नोटबंदी के बाद। कौन सा व्यापार चल रहा है, कौन से व्यापार में लोग खुश है, मुझे ये तो बताइए। जिसको व्यापारी बनना था वो बाबा बन गया, बाबा बन गया, जिसको बाबा बनना था वो व्यापारी बन रहा है। किसान परेशान है, किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भावनगर, जामनगर, अमरेली, राजकोट अंदर किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करता है। अहमदाबाद के अंदर यूथ सबसे ज्यादा बेरोजगार है, यूथ को रोजगार ही नहीं, उसके अलावा वो व्यसन के मार्गों पर चला जा रहा है। 27% आरक्षण ओबीसी को है मिला हुआ, ओबीसी नेता अल्पेश खुलकर कांग्रेस में चले गए, उनकी भी तो कुछ डील हुई होगी ना, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, कौन सा आरक्षण मिलेगा, कैसे मिलेगा? मुझे ये समझना है कि 50% से ज्यादा आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जजमेंट दिया है, कानून नहीं बना। 3 जजमेंट है, बालाजी, नागराज और इंद्राणी साहनी का, इन तीनों जजमेंट में हमें मानना कौन सा है? तो आप सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं? विवेक पर सवाल नहीं कर रहा हूँ, रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। नहीं, अभी रूलिंग का जजमेंट है, जजमेंट है सिर्फ, कानून नहीं है। कानून तो फिर संसद या नहीं है, सिर्फ जजमेंट है, नहीं कानून, नहीं संविधान के अंदर कुछ लिखा गया। आप बार बार ये बोल रहे हो कि आरक्षण क्यों मांग रही है लोग, हम ये सोचना चाहिए इन सत्ता में बैठे लोगों को, आरक्षण मांगना क्यों पड़ा है? जाट मांग रहा है किसान को हमें, मराठा मांग रहा है किसान को हमें, गुर्जर मांग रहा है मराठा को, गुर्जर मांग रहा है किसान को हमें, पटेल मांग रहा है कारोबारी कौम है, सूरत में हीरा व्यापारी कौम है। अंजना जी, सिर्फ सूरत को मत देखिए, सौराष्ट्र में जाइए, ये भी एक पटेल का खेत है, ये भी पटेल के खेत में बैठे हैं। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये राहुल गांधी से जो हाथ मिलाया आपने, कहाँ मिलाया, अभी नहीं मिलाया, ऐसे किया ही नहीं। सूरत में वो आए थे तो रैली में आप गए नहीं, अब जब वो आएंगे रैली में जाएंगे? नहीं, क्यों जाऊं मैं, मुझे ये बताइए क्यों जाना चाहिए, मुझे ये बताइए, चलो क्यों जाना चाहिए। आपने कहा कि वो बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस के साथ जा रहा है। मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ, कांग्रेस के साथ जा रहा हूँ, ये अभी तक नहीं मैंने बोला। कई बार क्या होता है ना जी, मैं कुछ नहीं बोलता फिर भी लोग बोल देते ये बोला है बोला। क्या ये सच नहीं है कि 3 उम्मीदवार आपके कहने पर बदले गए? नहीं, जनता के कहने पर बदले गए, और मुझे अच्छा लगा कि जनता के कहने पर उम्मीदवार चेंज हो रहे हैं, अब अच्छा होगा आने वाले दिनों में। जनता या हार्दिक पटेल के कार्यकर्ता जो हंगामा करते हैं, पार्टी दफ्तर में जाके कांग्रेस के तोड़फोड़ करते हैं, दबाव, डर, खौफ। मेरा सवाल हार्दिक आपसे ये है कि जिस नरेंद्र मोदी के आप खिलाफ में खड़े हुए और आप कहते हैं कि वो डराते हैं लोगों को, खौफ पैदा करते हैं, वही आप भी कर रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ आया कि हमने क्या किया,
हमने नहीं तोड़फोड़ नहीं की। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए कैंपेन भी नहीं करेंगे जहाँ पे खिलाफ करूंगा, बिल्कुल करूंगा भाजपा के खिलाफ। मतलब कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा होता है, उसमें क्या दिक्कत। मुझे ये बताइए कि गुजरात के किसी भी मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाकर आप कागज निकालिए, मुझे देखना है गुजरात किसके खाते में लिखा है। मुझे दिखाइए गुजरात भाजपा के खाते में लिख दिया, गुजरात सिर्फ भाजपा ही है, गुजरात के अंदर भाजपा के सिवा किसी भी पार्टी का कोई अधिकार नहीं है। गुजरात के अंदर कांग्रेस अच्छा करेगी तो जनता सोचेगी जनता को क्या करना है। आप खुल के क्यों नहीं बोलते, ये कंफ्यूजन आप क्यों रखना चाहते हैं? चाहते हैं कि दोनों ही पार्टी की तरफ से लोग बस हार्दिक करते रहे। राहुल गांधी को भी आप खुलकर सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, जाइए उनकी रैली में अगर आपको लगता है कि उनको जिताना है तो। क्यों जाना चाहिए, बच्चा हो अभी 23 साल, अब तक बच्चे बने रहे, अब 24 हो गया, 23 खत्म हुए ना, 23 खत्म हुआ ना, 24 चढ़ गया तो अच्छी बात है। 24 साल का लड़का क्या करता है, कॉलेज में जाता है, बर्गर खाता है, चॉइनबिस करता है और अच्छी अच्छी बातें करता है। कहाँ बर्गर खा रहे हो? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो जनता के अधिकार की बात करता हूँ, अच्छी बात है, करनी चाहिए मुझे। ये बताइए कि आप खुलकर कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे लेकिन खुलकर बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहा हूँ, बिल्कुल। अब अगर बीजेपी की सरकार बन गई गुजरात में और बीजेपी जीत गई तो हार्दिक पटेल का क्या होगा? मैं मानता हूँ गंजना जी, आपको लाजपुर सेंट्रल जेल सूरत में जो है वहाँ आना पड़ेगा जिस दिन छूटोगा उस दिन। और जीतेगा कौन ये जरूरी नहीं अंजना जी, जीत बड़ी बात ये है कि मान लो वो जीत जाते तो इन लोगों ने जो आंदोलन किया है, लोगों ने जो 3-4 करोड़ लोग रोड पर आकर अपने अधिकार की बात करते, उसका क्या करोगे मुझे ये बताइए। आप अपनी निजी लड़ाई के लिए भ्रमित कर रहे हैं पटेलों को, ऐसा लगता है कि अब आपने पर्सनल लड़ाई बना ली है। क्या मुझे अकेले को नहीं मारा किसी ने, मुझे मारा ही नहीं है। मुझे एक काम कीजिए, आप काटलोडिया रानी और वस्त्राल के एरिया में जाकर पूछिए आपकी गाड़ी के कांच टूटे थे, अरे बोलेंगे हाँ टूटे थे, क्यों तोड़े पता नहीं, पुलिस वाले ने आकर तोड़ के चले गए। ये बताइए मुझे, निजी लड़ाई मेरी नहीं है अंजना जी, ये लड़ाई गुजरात के 6 करोड़ जनता की है, ये लड़ाई दुख की लड़ाई है, ये लड़ाई अहंकार के सामने है, सिर्फ अधिकार की है। मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा लेकर घूमता हूँ और कहता हूँ कि मेरा देश आज़ाद है, मेरा देश आज़ाद है। 16 अगस्त को या 27 जनवरी को मैं फिर से यही कहता हूँ कि नहीं मुझे मेरी बात रखनी चाहिए, मुझे मेरा अधिकार दो, कहाँ मेरा देश आज़ाद है। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं अब रैली करने के लिए, आने दो, कितने कर रहे हैं वो बता दो मुझे, क्या उससे ज़्यादा करना है? बस करूँगा, घूमूंगा, जो होगा देखा जाएगा। फिजा बदलेगी उनके आने के बाद? अब उनको मालूम है क्या होना है, इसीलिए तो थोड़ी बॉडी लैंग्वेज इधर की उधर हो गई है। क्या हो गया बॉडी लैंग्वेज को? अमित शाह जी कल मैंने देखा थोड़े घबराए हुए थे भावनगर के अंदर, सिर्फ 2000 कुर्सी लगी थी, सिर्फ 2000, उसमें 400 कुर्सी खाली थी, तो उन्होंने अमित शाह जी बोले यार कुर्सी हटा दो, कुर्सी हटा दो। मैंने ट्वीट भी किया, बहुत नाखुश है वो। आप तो उनसे ऑपोजिशन हो तो आप ऐसा बोलोगे, वो तो 150 सीट कह रहे हैं, वो 150 सीट कह रहे हैं। अब मुद्दे पर आए तो मैं 150 सीट वही कर रहा हूँ, तो भाजपा मेरे खिलाफ है मतलब वो मुझ पर आरोप लगा सकती है। अच्छा तो आप कह रहे हो कि मतलब सीडी है या जितने आरोप हैं सब ऑपोजिशन वाले लगाएंगे, आपने ही बोला तो आप उनके खिलाफ हो इसलिए आप आरोप लगा रहे हो, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो मेरे खिलाफ इसलिए मुझ पर आरोप लगा। लेकिन ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जब अंत में आएंगे और वो भाषण देंगे और जो अपनी भाषा यूपी में कहते हैं वैसी भाषा यहाँ बोलेंगे और फिर लोग वही पुराना रिश्ता है, दो तीन आंसू निकाल देंगे। अब आप मुझे ये, गुजरात की जनता इतनी कमजोर हो गई है, मुझे मेरे देश का पीएम या प्रधानमंत्री कमजोर नहीं चाहिए जिसकी आंखों में आंसू हो। पूरा विश्व ये नहीं कहना चाहिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर उसकी जनता कितनी कमजोर होगी। रोना नहीं है, छाती ठोक कर लड़ो। आखिरी सवाल, नेता या आंदोलनकारी? वहीं जहां से शुरू, निडर लीडर हूं, लोगों के मुद्दों की बात करता हूँ, जबान कड़वी है, पेट में पाप नहीं है, जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ, सामने वालों को जो करना है कर ले। ठीक है, खुली चुनौती है ये हार्दिक पटेल की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए, बातचीत करने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आपको लगता है हार्दिक आपको राहुल पसंद है? हाँ पसंद तो है, राम अच्छा है, क्या नाम बड़ा है, राहुल गांधी की बात कर रहे हो? अच्छा मैंने सोचा मेरे पास वाले राहुल की बात कर रहे हो आप। हम बैठ के बात करते हैं, आइए हार्दिक हम यहाँ पे बैठते हैं। अब आप हैं क्या, किसान हैं, आंदोलनकारी हैं, नेता हैं, स्टूडेंट हैं, बर्गर खाने वाले स्टूडेंट हैं क्या? नहीं मैं एक्चुअली अभी LLB कर रहा हूँ और मैंने कभी बर्गर खाया नहीं है, और मैंने भी घर पे आइसक्रीम कम से कम 12 बार कक्षा पढ़कर जब मैं कॉलेज गया तब मैंने आइसक्रीम खाई थी, हमने कभी आइसक्रीम नहीं देखी थी घर में क्योंकि उस प्रकार से घर का माहौल था। एक बात बताइए, हमेशा इतने गुस्से में रहते हैं क्या?
या घर में हंसते हंसते गुजराती गाना गाते हैं, कुछ गाते हैं, बताइए गुजरात की क्या, ऐसा ऐसा कुछ नहीं गाते, गुजरात की मिट्टी क्या है, ऐसा कुछ गाते नहीं है। लेकिन इतना जरूर मैं कहता हूँ कि गुजरातियों के लिए अच्छा करना है, जब गुजरातियों के लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा हो जाएगा, तो मैं कहूँगा मुझे भारतीयों के लिए अच्छा करना है, बस गुजरात के निर्माण से देश के नव निर्माण तक पहुँचना है। एक बात ये बताइए, चलिए पॉलिटिशियंस की बात हो रही है, तो आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? मैं नाम दूंगा तो सच में लोग हंसेंगे। नहीं नहीं, हम सुनेंगे ना, लोग बताइए। बाला साहब ठाकरे। बीजेपी का हिंदुत्व पसंद नहीं है और बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व पसंद था? मैं हिंदुत्व की बात ही नहीं कर रहा, देखो हिंदू आइडियोलॉजी के बिना नेता क्या। मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। उनकी कुर्सी पे दोनों तरफ शेर होता था, हार्दिक पटेल की कुर्सी पर क्या होगा दोनों तरफ? अब मैंने कभी नहीं दिखाया, लेकिन मेरे यहाँ शेर है, तीसरा शेर। ये तीसरा शेर है मतलब? मतलब दो तो है मेरे पास, तीसरा है, देखेंगे अब कर। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।